हे दोस्तों, यो हेल्प चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास कैंडिडेट्स के लिए भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए सैनिक भर्ती रैली जो है वो है 5 अक्टूबर 2017 से 13 अक्टूबर 2017 तक मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में आयोजित की जाएगी। तो जो भी 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास कैंडिडेट हैं और जो कि भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। 5 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक ये जो रिक्रूटमेंट रैली है वो चलेगी। इसमें सैनिक के अलग अलग पद है, जैसे सैनिक सामान्य ड्यूटी, सैनिक तकनीकी और सैनिक नर्सिंग सहायक, वेटनरी स्टोर कीपर और सैनिक ट्रेड्समैन, अलग अलग पदों पर इसमें वैकेंसी आई। 5 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2017 तक ये रिक्रूटमेंट रैली चलेगी। 5 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक आपका जो है फिजिकल टेस्ट पहले होगा, ठीक है। सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद इसका एक रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम यानी कि लिखित परीक्षा आपकी 26 नवंबर 2017 को होगी। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो सैनिक सामान्य ड्यूटी के लिए 1 अक्टूबर 1996 से लेकर 30 अप्रैल 2000 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। मतलब आपकी जन्मतिथि, आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1996 से पहले नहीं होना चाहिए और 30 अप्रैल 2000 के बाद की आपकी नहीं होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ। 1 अक्टूबर 1996 से पहले की डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए और 30 अप्रैल 2000 के बाद की डेट ऑफ बर्थ आपके नहीं होना चाहिए, इसके बीच की आपकी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और सैनिक सामान्य ड्यूटी के अलावा बाकी जितने भी सैनिक के पद है उसके लिए डेट ऑफ बर्थ की लिमिट जो रहेगी वो रहेगी 1 अक्टूबर 1994 से लेकर 30 अप्रैल 2000 तक। मतलब 1 अक्टूबर 1994 से पहले के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं है और 30 अप्रैल 2000 के बाद जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जिस दिन आपका फिजिकल टेस्ट रहेगा उससे 15 दिन पहले आपको इसकी जानकारी दे दी जाएगी। योग्यता की अगर हम बात करें तो सैनिक सामान्य ड्यूटी के लिए 10वीं पास, सैनिक सामान्य ड्यूटी अनुसूचित जनजाति के लिए भी 10वीं पास और सैनिक नर्सिंग सहायक के लिए 12वीं पास होना चाहिए, सैनिक लिपिक क्लर्क या स्टोर कीपर के लिए 12वीं पास, सैनिक तकनीकी के लिए 12वीं जो है वो होना चाहिए अंग्रेजी, भौतिक, रसायन विज्ञान, गणित विषयों के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ, सैनिक ट्रेड्समैन के लिए 8वीं पास, सैनिक ट्रेड्समैन के लिए 10वीं पास। इस टेबल पर आपको जो है वो हाइट एज लिमिट दी जा रही होगी 17.5 से 21 वर्ष, 17.5 से 21 वर्ष, ठीक है। हाइट भी दी गई है सेंटीमीटर में, वजन वेट जो है वो भी आपका केजी में दिया गया है, छाती भी आपकी दी गई है यहाँ पर। तो फिजिकल स्टैंडर्ड आपकी स्क्रीन पर पूरा दिख रहा है या फिर डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसमें जाकर के आप पूरा पढ़ लें। पूरा हिंदी में दिया गया है, आसानी से आप उसको पढ़ सकते हैं। और आपको निम्नलिखित दस्तावेज जो है वो अपने पास लेके जाना पड़ेगा, 8वीं, 10वीं, 12वीं की मार्कशीट ले जाना पड़ेगा, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवासी प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत पार्षद या फिर स्कूल प्रधानाचार्य से जाति प्रमाण पत्र ले जाना पड़ेगा, शपथ पत्र ले जाना पड़ेगा, फोटो आपको 20 ले जाना पड़ेगा, कलरफुल पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ की, आधार कार्ड भी आपको ले जाना पड़ेगा। ऐसे कैंडिडेट जिनके फादर जो है वो भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर रिटायर्ड भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए जो है वो हाइट पे छूट मिलेगी, कद में 2 सेंटीमीटर की छूट, छाती में 1 सेंटीमीटर की, वजन में 2 किलोग्राम की जो है वो छूट मिलेगी। इसके अलावा रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद 20 नंबर का अतिरिक्त बोनस भी मिलेगा और जो खिलाड़ी हैं स्टेट लेवल के और नेशनल लेवल के उनको भी हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट और छाती में 3 सेंटीमीटर की, वजन में 5। एनसीसी सर्टिफिकेट जिनके पास ए लेवल का है उनको 5 बोनस अंक मिलेंगे, बी प्रमाण जिनके पास है उनको 10 बोनस अंक मिलेंगे, सी प्रमाण पत्र जिनके पास उनको 15 बोनस अंक मिलेंगे। एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए जो हाइट रहेगी वो रहेगी 162 सेंटीमीटर, वजन जो रहेगा 48 किलोग्राम रहेगा। फिजिकल टेस्ट में आपको 1600 मीटर की दौड़ रहेगी जो कि आपको 5 मिनट 45 सेकंड के पहले कंप्लीट करना पड़ेगी। 5 मिनट 30 सेकंड पर कंप्लीट करने पर आपको 60 नंबर मिलेंगे, 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक कंप्लीट करने पर आपको 48 अंक मिलेंगे और 5 मिनट 45 सेकंड के बाद अगर आप अपनी रेस कंप्लीट करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे फिजिकल टेस्ट से। इसके अलावा आपको 9 फीट के गड्ढे को भी कूदना पड़ेगा, बैलेंसिंग बीम पर भी चलना होगा। ये आपका पे स्केल दिख रहा है, ठीक है। सिपाही के लिए पे बैंड 1 पर 21,700 से 43,000 1,000 वाला पे स्केल रहेगा, लगभग 25,000 आपकी सैलरी स्टार्टिंग में बढ़ेगी। नायब सूबेदार और ये पूरा आपके स्क्रीन पर जो है वो सैलरी स्ट्रक्चर दिया जा रहा है। इसके अलावा आपको भोजन, निवास और मुफ्त में वर्दी मिलेगी, मिलिट्री हॉस्पिटल में आपका जो है वो ट्रीटमेंट होगा। फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 19 सितंबर 2017 है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर के आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन की भी लिंक आपको मिल जाएगी, नोटिफिकेशन की लिंक और अप्लाई करने की लिंक, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लास्ट डेट 19 सितंबर 2017, 19 सितंबर 2017 से पहले आप इस फॉर्म को जो है वो अप्लाई कर दें, लास्ट डेट 19 सितंबर 2017 है। फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 19 सितंबर 2017 है। और एक जरूरी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं, इसमें मध्य प्रदेश के जो जिले हैं विदिशा, हरदा, बैतूल, सीहोर,
राजगढ़, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, रायसेन और भोपाल, सिर्फ इन्हीं जिलों के जो मूल निवासी हैं वो ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक बार फिर से बता दूं, मध्य प्रदेश के जो जिले हैं विदिशा, हरदा, बैतूल, सीहोर, राजगढ़, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, रायसेन और भोपाल, सिर्फ इन्हीं जिलों के कैंडिडेट ही भर्ती प्रक्रिया में शामिल हों, सिर्फ इन्हीं जिलों के कैंडिडेट जो है वो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, अन्य किसी जिलों के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो फॉर्म ना भरें। लिखित परीक्षा 26 नवंबर 2017 को रहेगी, जिसमें 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ठीक है। 26 नवंबर 2017 को आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उससे पहले 5 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2017 तक आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद 26 नवंबर 2017 को इसका रिटर्न एग्जाम होगा। फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 19 सितंबर 2017 है। नोटिफिकेशन की लिंक और अप्लाई ऑनलाइन की लिंक, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर के आप नोटिफिकेशन डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और इस फॉर्म को जो है वो अप्लाई भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक करने के बाद हमारे यू हेल्प चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।